हाल ही में शादी के बंधन में बनने वाले अदाकार यासिर हुसैन और अदाकारा इकरा अजीज की जोड़ी ने लाइव शो में बच्चों की प्लानिंग बता दी। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। यासिर हुसैन और इकरा अजीज ने शादी के बाद पहली मर्तबा किसी इंटरव्यू में आज न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन बारान रहमत रमज़ान में शिरकत की। इंटरव्यू के दौरान मेज़बान अदाकारा रीमा खान ने नए नवेली जोड़े से कई दिलचस्प सवालात किए और दोनों सेलिब्रिटीज़ ने इन सवालों के दिलचस्प जवाबात भी दिए। रीमा खान ने यासिर हुसैन से सवाल किया कि आपने जीवन साथी के लिए इकरा अजीज़ को ही क्यों चुना। उन्होंने कहा कि इकरा बहुत सच्ची और मेहनती हैं और इन्हीं खूबियों की वजह से उन्होंने इकरा का इंतखाब किया। मेज़बान रीमा खान ने यासिर हुसैन फैमिली प्लानिंग से मुतालिक सवाल किया कि आप दोनों में से ज़्यादा बच्चों का शौक़ किसको है, तो दोनों ने मिलकर जवाब दिया कि हम दोनों को ही बच्चों का शौक़ है। उन्होंने कहा कि औलाद का होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अगर कोरोना वायरस से पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल में आपका बेबी हो तो शायद आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उसका ख्याल रखना सबसे अहम चीज़ होगी। यासिर नवाज़ ने कहा कि औलाद का होना ना होना इंसान के हाथ में नहीं होता, ये अल्लाह पाक की देन है, जब वो चाहेंगे अता कर देंगे। वाज़े रहे कि यासिर हुसैन इन दिनों ड्रामा सीरियल झूठी में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें।